भाई आगे से बाइक ना इतनी ज्यादा डाउन हो गई है ना कि मैं जहां भी खड्डे में ब्रेक लगा रहा हूँ ना अगर, तो भाई ये सीधा सीधा देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ध्यान से, क्योंकि ना मैंने यहाँ से ना अपनी बाइक को ना डाउन करा दिया हुआ है। शॉकर देख रहे हो इसके कितने बाहर निकलवा दिया हुआ है, यहाँ से सस्पेंशन अप करा के बॉडी जो है इसकी डाउन करवा दी हुई है। सर्विस के साथ साथ ना मैं अपनी बाइक से ना जो साउंड वाला फिल्टर है ना, एयर फिल्टर, वो भी वही निकलवाने वाला हूँ, क्योंकि ना उससे थोड़ा एक्सेलरेशन में बहुत ज्यादा फर्क आ गया हुआ है। तो हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जुनेद कुरैशी एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब, होप कि सब गाइस बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। गाइस काफ़ी देर के बाद जो है तुम्हारा भाई वापस आ गया बाइक पे कैमरे के साथ, होता तो बाइक पे ही हूँ बट कैमरे के साथ काफ़ी देर के बाद आया हूँ। सो वेल गाइस आज था मुझे कुछ थोड़ा सा ज़रूरी काम, तो मैंने सोचा भाई क्यों ना व्लॉग भी शूट करे थे, काफ़ी देर से ना शूट नहीं किया हुआ है। तो ज़रूरी काम ये था कि मुझे ना करवानी थी अपनी बाइक की सर्विस, जो काफ़ी ज़्यादा डिले हो गई हुई है। आई थिंक 20-25 दिन जो है बाइक की सर्विस डिले चल रही है, बट मैंने सोचा यार नहीं करवा लेनी चाहिए ऐसी, क्योंकि भाई इंजन ऑयल जो है ना ख़त्म हो गया बाइक का, तो ये बार बार मिसिंग वगैरह कर रही है, हाँ करवानी तो चाहिए है ना। तो फिलहाल तुम्हारा भाई अभी सुपर जा रहा है पहले बाइक की सर्विस करवाने के लिए, तो देन देखते भाई बाइक की सर्विस कराने के बाद। अनुराग ने आना भाई सिटी, सिंपल सी बात है, अनुराग को थोड़ा सा काम है, और हाँ मेरे को आज अपनी बाइक में ना बहुत तगड़ी मॉडिफिकेशन करानी है, अगर मेरे पास टाइम बचा तो भाई मैं करवाऊँगा ठीक है। और सीरियसली बोलूँ मैं अपनी बाइक में ना एक वो चीज़ कराने वाला हूँ ना, शायद हमारे जम्मू कश्मीर में किसी ने नहीं कराई होगी, क्या पता कराई होगी नहीं कराई होगी मेरे को नहीं पता, बट जहाँ तक मेरे को लग रहा है ना R15M या V4 के ऊपर ना फर्स्ट टाइम होगा ठीक है, फर्स्ट टाइम इन J&K, इंडिया की बात ही मैं कर रहा। सुवेल गाइस अभी तुम्हारा भाई पहुँच चुका है कुछ ऐसी लोकेशन पर, अभी ना भाई मैं रिसेंटली पीछे अपना ना माइक वगैरह टेस्ट कर रहा था कि कैमरे पे माइक जो है प्रॉपर लगा है ना, ऑडियो वगैरह सब आ रही है, कैमरा एंगल बराबर आ रहा है, क्योंकि आज मैंने अपने कैमरे के ऊपर ना यहाँ पे ना थोड़े माउंट्स वगैरह की भी छेड़छाड़ की है, वो ऊपर नीचे की है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा कैमरा ना दूर रहता था हेलमेट से, दैन थोड़ा ना प्रॉब्लम फेस होती थी। ये देखो समझदार लोग, वही नहीं थी वैसे तो एक्सीडेंट होते हैं। अरे हाँ भाई एक्सीडेंट से याद आया मेरे को भाई, कल रात का ना सिद्रा में एक इतना खतरनाक वाला एक्सीडेंट हुआ ना एक R15 V4 के ऊपर भाई, मेरे पास ना उस बाइक्स की फ़ोटोज़ हैं, एंड उस जिनका एक्सीडेंट हुआ ना भाई वो कोई कपल थे, लड़का और लड़की थे, कपल थे क्या थे फ्रेंड्स थे, बट जहाँ तक मैंने सुना वो कपल्स थे ठीक है। तो उनका ना एक्सीडेंट हुआ है ऑन स्पॉट डेथ हुई है भाई, लड़का और लड़की दोनों की भाई, जब मैंने फ़ोटोज़ देखी ना भाई मैंने भाई तौबा की थी कि रात के टाइम तेज़ नहीं चलानी, क्योंकि भाई वो पता नहीं किसी कार वाले के साथ चेस कर रहे थे दोनों, तो कार वाले ने साइड लगा दी कुछ शायद, तो किसी ट्रक वाले के साथ हिट हो गए, जो ट्रक वाला है वो पुलिस स्टेशन में आई थिंक क्या मतलब ट्रक वगैरह पकड़ लिया, और लड़का लड़की तो भाई सीधा ऊपर, ये देखो देखना ही नहीं आगे भाई, देखना ही नहीं है, अंकल भी हंस रहे हैं, उनको भी पता है कि अंकल बिना देखे आगे आगे, फिर बाद में बोलते ये देखो भैया पार्क में आए हो। सो वेल गाइस वो जो एक्सीडेंट हुआ ना कसम से इतना खतरनाक एक्सीडेंट है ना, मैं तो देख के डर गया, बट मैं चलो छोड़ो भाई किस्मत में जिसके जो लिखा था ना वो होना ही है ठीक है ना। भाई क्या हाल है, ठीक हो? वधिया सर्विस यार, कितना 4 बजे तक, 3 घंटे कितनी गाड़ी लगी है, चलो कर लेता हूँ वेट, अब क्या करूँ घर थोड़ी जाऊँगा वापस, घर से ही आना कहाँ से आना, और नहीं नहीं। सो वेल गाइस अभी मैं आ गया हूँ सर्विस सेंटर में, तो अभी यहाँ मैं वेटिंग हॉल में कर रहा हूँ वेट, तो भाई अंदर आते भाई ने ना पहली बात बोल दी मेरे को कि भाई सर्विस होने में टाइम लगेगा, मैंने कहा कब तक, कहता भाई 4 बज जाएंगे कम से कम ठीक है, तो अभी मुझे ना 4 बजे तक ना यहाँ सर्विस सेंटर में वेट करना पड़ेगा बाइक की सर्विस होने का, तो फिर देखते हो उसके बाद भाई सर्विस होके बाइक कैसी लगेगी, फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे वेट। तो अभी ना मेरे को ना अपनी बाइक में ना एक मॉड भी कराना है, मैंने आपको बताया कि मॉड क्या कराना है, नहीं बताया सर मॉड क्या कराना है, ये बताया कि मॉड कराना है ठीक है, तो अभी ना मुझे मॉड करवाना है, वो बता दो या जब कराऊँगा तब दिखाऊँगा, चलो जब कराऊँगा ना तब दिखाऊँगा, तो फिलहाल ना अपनी बाइक में मॉड कराना है, उसके अलावा जो सर्विस करानी है, और हाँ एक चीज़ हो सर्विस के साथ साथ ना मैं अपनी बाइक से ना जो
साउंड वाला फिल्टर है ना, ये फिल्टर बहुत ही भाई निकलवाने वाला हूँ, क्योंकि ना उससे थोड़ा एक्सलेशन है, बहुत ज़्यादा फर्क आ गया हुआ है। बाइक जो है ना, मतलब टॉप एंड में तो 150 प्लस 154 155 तो जा रही है, पर थोड़ा पिकअप में ना थोड़ा इशू आ रहा है, थोड़ा एक्सलेशन में डिफरेंस आ रहा है। मतलब वो मैं डेली चला रहा हूँ तो मेरे को फील हो रहा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ वो भी सॉल्व हो जाएगा, अभी मैं ना स्टॉप फिल्टर डालने वाला हूँ साउंड वाला निकाल के। तो उसके बाद कराएंगे अपनी बाइक में एक छोटा सा मोड, तो जब अगर मोड भी हो जाए तो मुझे आपको दिखा दूंगा भाई कैसा हुआ कैसा नहीं। The next day. वेल गाइस, मैं और अनीस आ चुके हैं कुछ इस तरह की लोकेशन पे। अभी ना यहाँ पे लगी हुई है मेरी बाइक, तो मैंने अपनी बाइक में जो मोड कराया ना, मैं तुम लोगों को पहले वो दिखाने वाला हूँ, ठीक है, कि मोड कैसा हुआ है। और मुझे कमेंट करके बता देना कि तुम्हें वो मोड सही लगा या नहीं लगा। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि अभी तक ना पूरे जम्मू कश्मीर में ये मोड जो है ना अपनी बाइक में किसी ने नहीं कराया, तुम्हारे भाई ने कराया, क्योंकि ना इस मोड का ना एक बहुत तगड़ा नुकसान है। तो वो नुकसान लोग बोलते हैं कि ना हो तो उससे अच्छा मोड रहने देते हैं, तो मैंने ना रिस्क ले लिया हुआ है और मुझे नुकसान फेस भी हो गया वो, ठीक है। वो भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या नुकसान फेस हुआ, तगड़े तरीके हुआ। तो फिलहाल मैं सबसे पहले आपको ना पीछे बाइक लगी हुई है अपनी बाइक दिखाता हूँ, ठीक है। सो गाइस ये चेक करो, यहाँ पे लगी हुई है अपनी बाइक। तो बाइक कमेंट करके बताओ तुम्हें ना बाइक में क्या चेंज लग रहा है, अगर डिफरेंस पता चल रहा है तो सही है, अगर नहीं लग रहा तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। आगे से देख लो भाई, मेरी बाइक जो ना यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई हुई है, इसका जो टायर का पोर्शन है ना मडगाड़ी है ना बॉडी के अंदर चला गया हुआ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ना मैंने यहाँ से ना अपनी बाइक को ना डाउन करा दिया हुआ है। शॉकर देख रहे हो इसके कितने बाहर निकलवा दिया हुआ है, यहाँ से सस्पेंशन अप करा के बॉडी जो है इसकी डाउन करवा दी हुई है, जिसकी वजह से अपनी बाइक की लुक ना कुछ ऐसी हो गई है। देख लो भाई अगला टायर कहाँ चला गया हुआ है, पूरी बॉडी के अंदर चला गया हुआ है, और पीछे से बाइक जो थोड़ी अपलिफ्ट हो गई हुई है। अभी ना मैंने आपको बता तो दिया कि मेरी बाइक में मैंने एक अच्छी चीज़ क्या कराई है, वो तो ये आपको दिखाया है ना अभी, कि मैंने ये देखो भाई पूरे का पूरे सस्पेंशन जो है ना डाउन करवा दिया हुआ है दोनों तरफ से ना, मतलब बराबर इसको नाप के कितना है भाई, आई थिंक मेरी चाबी के साइज़ का, ये देख रहे हो, मतलब बराबर मैंने चाबी के साइज़ का ना इसको डाउन करवा दिया हुआ है। तो यहाँ से नाप के मैंने इसको डाउन करा दिया, जिससे हैंडल भी मेरा बैलेंस है, कुछ दिक्कत नहीं आ रही चलाने में। बस एक दिक्कत है भाई, सिर्फ एक दिक्कत है, वो मैं आपको बताता हूँ वो दिक्कत क्या। भाई आगे से बाइक ना इतनी ज़्यादा डाउन हो गई है ना, कि मैं जहाँ भी खड्डे में ब्रेक लगा रहा हूँ ना अगर, तो भाई ये सीधा सीधा देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो ध्यान से, है ना, ये देखो भाई ये मडगार्ड यहाँ से छिलना शुरू हो गया। अभी कल शाम को ही कराई है मॉडिफिकेशन वाले, ये आज ही सुबह हुआ है, अनीस के साथ जब दो बारी बाइक बगा रहा था ना, तो दो बारी मतलब बाइक यहाँ पे बची है, बचा गया बाइक का वो भाई ये वाला हिस्सा ना, ये चीज़ जो है ये भाई, ये देख रहे हो ये जो हिल रहा है, ये चीज़ ना यहाँ पे बची है। सोचो ये कितनी क्लोजर से कैमरे में दिख नहीं रही, इतना सा फर्क है खाली, इतना सा, ये देखो बस ये है ना, ये इतना सा फर्क, इतना सा डिफरेंस है बस। अब तुम खुद ही सोच लो कि छोटे छोटे खड्डों पर बाइक कैसे बज रही होगी। तो ऊपर से हमारे माशाल्लाह इंडियन रोड्स इतने अच्छे हैं, मैं क्या ही बोलूँ। सो वेल गाइस, अभी आपको मैंने इसका नुकसान भी दिखा दिया और फ़ायदा भी दिखा दिया भाई, जो लुक्स इंक्रीज़ हुई है। तो आपको लुक्स में इसकी अच्छे से जस्टिफाई कराऊंगा, पता है कैसे, सिनेमैटिक शॉट्स डाल के। अभी मैं सिनेमैटिक शॉट्स रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि करना यार बीच में नहीं बोला था, अभी मैं सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह रिकॉर्ड करूंगा तो वो डालूंगा, तो आप तब तक सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो इंजॉय करो, ठीक है। अनीस भाग भाग भाग, कुत्ते उठाने वाली गाड़ी आ गई जेएमसी की। सो वेल गाइस, अभी मैंने सिनेमैटिक शॉट्स जो है वो आपको दिखा दिए हैं, होप कि गाइस आपको सिनेमैटिक शॉट्स अच्छे लगे होंगे, और जो गाड़ी अनीस को लेने आई है वो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो अभी मैं आपको ना एक चीज और दिखाता हूँ भाई, मेरी बाइक को ना ध्यान से देखो, अगर तुम्हें कोई लगता है मैंने एक इल्लीगल सी कोई चीज की है, मतलब कोई ऐसी चीज़ कराई है बाइक में जो बहुत ही ज़्यादा इलीगल है, तो मैं बोलूँगा नहीं अपने मुंह से वो क्या कराई है, तुम ना कमेंट करके बताओ मेरे को, ठीक है। पहले अच्छे से देख लो भाई, पूरा बैकग्राउंड दिखा देता हूँ बाइक का, ये देखो भाई अच्छे से देखो, ठीक है। अब जो इलीगल चीज़ जो भाई मैंने अपनी बाइक में करवाई है ना, तो मेरे को कमेंट करके बताना,
तो ठीक है, करते हैं आज के ब्लॉग को फिर इसी के साथ यहीं पे एंड। होप यू गाइस आपको आज का ब्लॉग जो अच्छा लगा तो सबके ब्लॉग्स को जैसे करते हो ना लाइक करते हो, उसके ऊपर कमेंट करते हो, उसको चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ठीक है वैसे ही कर देना। तो मिलते हैं एक नए से अच्छे से प्यारे से मस्त से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट।